दुनिया के इतिहास में सिर्फ एक बार परमाणु हमला हुआ है, जो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के ऊपर किया था। इस हमले में जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी तबाह और बर्बाद हो गए थे। उसके बाद परमाणु हमले की धमकियां चलती रहीं, मगर कभी परमाणु हमला हुआ नहीं। लेकिन अब अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने यह सनसनीखेज खुलासा किया है, रूस चीन पर परमाणु हमला करने वाला था। रूसी मिसाइलों का रुख चीन की तरफ था। बस 15 मिनट में परमाणु बम चीन की जमीन पर गिरने ही वाला था, लेकिन फिर ऐन वक्त पर तबाही का ये प्लान टल गया। खुफिया एजेंसी की सूचना को माने तो ये अभी की नहीं है, बल्कि शीत युद्ध के दौरान की बात है। मगर आज की तारीख में ऐसी रिपोर्ट जारी करने के पीछे अमेरिका का मकसद रूस और चीन की दोस्ती को तोड़ने का है। दरअसल शीत युद्ध के दौरान एक समय ऐसा आया था जब पूरी दुनिया पर परमाणु हमले का खतरा मंडराने लगा था। चीन अपने सफल परमाणु परीक्षण के बाद दुनिया का पांचवां परमाणु संपन्न देश बन गया था। तब चीन और रूस के बीच सीमा संघर्ष चरम पर था। युद्ध की आशंका से चीन और रूस ने सीमा पर सैनिकों और हथियारों की तैनाती बढ़ा दी थी। तनाव इतना बढ़ गया था कि महीनों तक अघोषित युद्ध चलता रहा था। चीन ने सीमा पर तैनात रूसी सैनिकों पर हमला बोल दिया था। इससे भड़के रूस ने स्ट्रेटेजिक मिसाइल फोर्स को हाई अलर्ट पर रख दिया था। रूस की परमाणु मिसाइलें 1500 किलोमीटर की दूरी पर 15 मिनट में हमला करने को तैयार थीं। हालांकि फिर रूस ने दूसरा ऑपरेशन अपनाते हुए केजीबी के एलीट बोर्ड गार्ड्स की टुकड़ी से चीनी सैनिकों पर हमला किया था, जिसमें चीन के सैकड़ों जवान मारे गए थे। रूस की जवाबी कार्रवाई से चीन इतना डर गया था कि वो मॉस्को से बार बार बातचीत से मसला हल करने के लिए गिड़गिड़ाने लगा था। तब कहीं जाकर रूस ने चीन का पीछा छोड़ा था। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है। ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।